सो गाइज, आज हमारे पास है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जिसका नाम है ट्रूक बर्ड एस टू लाइट। 1100 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे लॉन्च किया गया है। ओपन करेंगे बॉक्स को, सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉलिंग क्वालिटी, और दोस्तों इसमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बॉक्स के ऊपर में ट्रूक बर्ड्स एस टू लाइट लिखा हुआ है। दोस्तों स्लाइडिंग सिंक टेक्नोलॉजी के साथ ये बर्ड्स आपको मिल रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट मेंशन हो रखे हैं, जैसे स्लाइडिंग सिंक टेक्नोलॉजी, क्वाड मीम्स माइक, डुअल माइक ऑन ईच बर्ड्स, 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी मिल जाएगी गेमिंग के लिए, और दोस्तों 10 आवर प्ले टाइम सिंगल चार्ज इसमें आपको मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है पावर ऑफ द ट्यून बीट्स। ओपन कर लेते हैं दोस्तों, बॉक्स को बाहर निकालते हैं अपने बर्ड्स को। यहाँ पे केस रखा हुआ है कुछ इस तरीके का, केस को थोड़ा साइड कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिल जाता है। चार्जिंग केबल मिल जाता है टाइप सी इंटरफेस के साथ, केबल की क्वालिटी काफी ठीक ठाक लग रही है, और दोस्तों 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे जो आप अपने ईयर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों एक वारंटी कार्ड मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और आपको एक मैनुअल मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने केस के बारे में। केस की बिल्ड क्वालिटी काफी ठीक ठाक मुझे लगे, प्लास्टिक काफी अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज किया है, और दोस्तों फुली मिल जाएगा आपको मैट फिनिश के साथ ये केस। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लगाया है चार्जिंग पॉइंट, ट्रू की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और दोस्तों यहाँ पे स्लाइडिंग सिंक टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने बहुत बार इसे ओपन किया है, क्लोज किया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं दोस्तों दोनों में ट्रू की ब्रांडिंग, और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइट इंडिकेटर जो आपकी बैटरी को शो कराएगा कि अभी आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों काफी शॉर्ट बर्ड्स आपको मिल जाएंगे और लाइट वेट काफी ज्यादा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ट्रू की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और दोस्तों इसमें आपको क्वाड माइक देखने को मिल जाती है, तो कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों अभी मैं बर्ड्स को लगाता हूं, फिर आपको बताता हूं कितने ज्यादा ये कंफर्टेबल बर्ड्स हैं। काफी ठीक ठाक लग रहा है और फिक्स काफी अच्छे से हो गए हैं। अगर आप रनिंग वगैरह भी कर रहे हो इसे लगा के तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट इसके साथ आपको मिल जाएगा, तो पेयरिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये केस आपको स्लाइडिंग सिंक टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाए, जैसे आप अपने केस को क्लोज कर रहे हो तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा आपके डिवाइस। जैसे ही आप केस को ओपन करते हो ये 2 से 3 सेकंड में आपके डिवाइस से दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। AAC का कोडिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। IP68 की इसमें आपको वाटर रेसिस्टेंस मिल जाती है, तो दोस्तों आपको स्वेट वगैरह हो रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और थोड़े बहुत पानी की बूंदे इस पे गिर जाती तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बारिश वगैरह में आपको इसे यूज नहीं करना है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो दोस्तों केस की बैटरी लगभग आपको 48 आवर का प्ले टाइम दे देंगे, और दोस्तों बर्ड्स की जो बैटरी है वो 10 आवर का प्ले बैक आपको देने वाले हैं। लगभग दोस्तों आप 5 बार आप अपने बर्ड्स को फुल चार्ज कर सकते हैं केस से। 55 मिलीसेकंड की इसमें आपको लो लेटेंसी मिल जाती है गेमिंग के लिए। दोस्तों मैंने इसे काफी देर तक BGMI प्ले किया, काफी इंजॉय किया, वहां पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आपको रियल टाइम एक टेस्ट करके दिखा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग सके अगर आप इसे गेमिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले दोस्तों मैं आपको साउंड क्वालिटी का एक रियल टाइम टेस्ट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरीके की है। साउंड क्वालिटी का आपने एक रियल टाइम टेस्ट देख लिया, जिससे कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसकी साउंड क्वालिटी किस तरीके की है। दोस्तों इससे मैंने काफी देर तक म्यूजिक सुना, साउंड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। दोस्तों बेस काफी अच्छा इसमें आपको मिल जाता है, अगर आप बेस लवर है तो आपके लिए ईयरबड है।
वोकल काफी अच्छे से वर्क करें और दोस्तों इंस्ट्रूमेंट भी इसमें काफी अच्छे से वर्क करें, लाउडनेस भी दोस्तों काफी ठीक ठाक इसमें मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों साउंड की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगे 1100 रुपए के प्राइस पॉइंट में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कॉलिंग क्वालिटी की, तो दोस्तों कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें आपको मिल जाएगी। जैसे आप क्राउड वगैरह में भी इसे कॉलिंग करो तो आप काफ़ी कंफर्टेबली कॉलिंग कर सकते हो, और दोस्तों अगर आप इंडोर कॉलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छे से इससे कॉलिंग कर सकते हो। माइक्रोफोन भी दोस्तों काफ़ी अच्छे से इसमें वर्क करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपका बजट दोस्तों 1200 रुपए के नीचे है या 1100 रुपए है तो आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कॉलिंग क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी मिल रही है, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव इसमें मुझे लगे है। अगर आप बेस लवर हो तो आपके लिए ये ईयरबड्स हैं। यही था ट्रूकबड्स S2 लाइट का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई देने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।